खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। पिंक सिटी को स्वच्छता के पैमाने पर नंबर एक बनाने के लिए निगम ने कमर कस ली है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के लिए जयपुर नगर निगम ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। जयपुर में सफाई की व्यवस्था देखने केंद्रीय टीम इसी सप्ताह जयपुर आ सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। नगर निगम ने इस महीने होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों में पूरी ताकत लगा दी है। अब लोगों को भी इससे जुड़ने की जरूरत है। नए साल में नगर निगम और शहरवासियों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण किसी परीक्षा से कम नहीं है। अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने के लिए सभी को काम करना होगा। बीते 3-4 महीने की बात करें तो नगर निगम ने कचरा उठाने की दिक्कत को दूर किया है। बीवीजी कंपनी ने हुपरों की संख्या में इजाफा किया है। निगम के अधिकारी नियमित वार्डों में दौरा भी कर रहे हैं। सुबह 11 बजे के बाद कचरा डिपो साफ न होने पर कचरा उठाने वाली कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नगर निगम प्रशासक विजयपाल सिंह ने वार्ड प्रभारी नियुक्त किए हैं जो जोन उपायुक्त से समन्वय कर व्यवस्था को दुरुस्त कराते हैं। निगम की इस मुहिम में जन जागरूकता की जरूरत है। लोग घर पर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। गीला और सूखा कचरा हूपर में बने अलग अलग बॉक्स में डालें। सड़क पर कचरा फेंकने से बचें और हूपर का इंतजार करें। हूपर न आने पर निगम में शिकायत दर्ज कराएं। महुआ स्वच्छता ऐप पर शिकायत करें। अपने गुलाबी शहर को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। इसके बिना स्वच्छता के उच्च मानक हासिल नहीं किए जा सकते। दरअसल शहर में 30 लाख से ज्यादा की आबादी नगर निगम सीमा में निवास करती है। 467 वर्ग किलोमीटर में जयपुर शहर फैला हुआ है। शहर में 10,000 किलोमीटर की सड़क है। निगम के 2 लाख से ज्यादा कचरा पात्र है। जन जागरूकता के लिए नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण के होर्डिंग शहर भर में लगवाए हैं। वॉल पेंटिंग भी करवाई है। बच्चों में जागरूकता के लिए पहली बार चाचा चौधरी साबू की कॉमिक्स स्कूलों में बांटी गई है। साथ ही स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जाकर नगर निगम की टीमें बच्चों को स्वच्छता से जुड़ने और इसके फायदे बता रही हैं। आयुक्त वीपी सिंह ने भी बीते दिनों अधिकारियों की कई बैठकें लेकर इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। आयुक्त वीपी सिंह ने कई बार शहर का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। स्वच्छता के लिए निगम की गंभीरता भी नजर आ रही है। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। शहर में 50 से ज्यादा बाजारों में सड़कों की रात में सफाई की जा रही है। सड़क किनारे लगे टूटे कचरा पात्रों को बदल दिया गया है। सफाई कर्मियों को हाथ की गाड़ियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। सर्वेक्षण के मद्देनजर पिछले 1 महीने में ही नगर निगम ने काफी कोशिशें की हैं, लेकिन सर्वेक्षण के समय की जा रही तैयारी अगर पहले से की जाती तो जयपुर को स्वच्छता का सरताज बनने से कोई नहीं रोक सकता था। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए शिवेंद्र परमार की रिपोर्ट।